किट ऑफर किया जिसमें बर्फ थी, तो एमजे अकबर ने बर्फ का एक टुकड़ा उठाया और उनके हाथ में उसे इस तरह से लगाना शुरू किया। उसके बाद इस महिला पत्रकार का, इस गुमनाम महिला पत्रकार का कहना है कि एमजे अकबर ने मुझे स्मूच करना शुरू किया और उसके बाद मानो वो पूरी तरह से जम गई। वो लिखती हैं, आई फ्रोज, माई माइंड रश्ड विद सो मेनी पॉसिबल एग्जिट स्ट्रैटेजीज, बट माई फीट डिडंट मूव एंड माई पार्श थ्रोट डिडंट लेट आउट अ साउंड। उनका गला सूख गया था, उनके पांव जम गए थे, मगर जैसे ही एमजे अकबर ने उन्हें स्मूच करना शुरू किया, उनके हाथ से बर्फ का बकेट गिर गया। वो लड़की किसी तरह से भागना शुरू किया। 22वें फ्लोर में था एमजे अकबर का कमरा और ये महिला पत्रकार जो है नंगे पांव 6 फ्लोर्स तक भागती रही और जब वो नीचे पहुंची तो वो बुरी तरह से कांप रही, बुरी तरह से रो रही थी। वो एक टैक्सी वाले के पास आई और टैक्सी वाले के सामने वो रोने लगी। उस टैक्सी वाले ने कहा, आप घबराइए मत, मैं आपका बलात्कार नहीं करूंगा। इस तरह के दंश को इस महिला पत्रकार को झेलना पड़ रहा है, मगर क्या आप जानते हैं कि ये इकलौता केस नहीं है। प्रिया रमानी कहती हैं, जो कि पहले इंडिया टुडे में थी, इंडियन एक्सप्रेस में भी थी, कि उन्होंने वोग के लिए अक्टूबर 2017 में एक आर्टिकल लिखा था और उस वक्त उन्होंने इस आर्टिकल में एमजे अकबर का नाम नहीं लिया था। वो बताती हैं कि किस तरह से एमजे अकबर ने जब उन्हें इंटरव्यू के लिए अपने 5-स्टार होटल के रूम में बुलाया था, तब वो इंटरव्यू नहीं था बल्कि डेट था। उस इंटरव्यू में वो उनसे कह रहे थे कि आओ मेरे साथ आके बैठो, आओ मेरे बिस्तर में आके बैठो। प्रिया रमानी ने इनकार कर दिया। कनिका गहलोत भी ये कहती हैं कि उन्होंने बुलाया उनको होटल के रूम में और बिल्कुल इस तरह की भाषा। सुपर्णा शर्मा, जो आजकल एशियन एज की रेजिडेंट एडिटर हैं, उन्होंने कहा था कि मैं 20s में थी, मैं 20 साल की थी और मैं एक बार न्यूज रूम में बैठी हुई थी। और गौर कीजिएगा इस बात पर, मैं न्यूज रूम में बैठी हुई थी और ये सब इस शख्स ने खुलेआम न्यूज रूम में किया। एमजे अकबर आए और उनका जो ब्रास ट्रैप है ना, ब्रास ट्रैप को प्लग कर दिया, यानी कि उसको एक तरह से अनहुक कर दिया। सुपर्णा ने जोरों से न्यूज रूम के अंदर उस शख्स पे चिल्लाया। सुपर्णा हमें यह भी बताती हैं कि कम से कम एशियन एज की 3 महिलाओं ने सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट के लिए इस शख्स की शिकायत की थी। यह है एमजे अकबर का चेहरा। और यह दास्तान यहां नहीं रुकती है। शुमा रहा प्रेरणा बिंद्रा, प्रेरणा बिंद्रा कहती हैं कि एक बार एमजे अकबर ने, पहले प्रेरणा बिंद्रा ने नाम नहीं लिया एमजे अकबर का, बुलाया उनको, मगर जब वो रात को होटल में जाने से उन्होंने मना कर दिया प्रेरणा बिंद्रा को, तो लगातार एमजे अकबर उन पर गंदी गंदी टिप्पणियां करते रहे। ये हालत है उस पत्रकार के जिन्हें इस देश का महान पत्रकार कहा जाता है, एक ताकतवर पत्रकार कहा जाता है। ये वो पत्रकार हैं जिन्होंने 80 के दशक में कांग्रेस का साथ दिया था और आज पूरी जिम्मेदारी के साथ यहां पर खड़े होकर, साउथ ब्लॉक के सामने खड़े होकर मैं ये मांग कर रहा हूं, प्रधानमंत्री आप इन्हें बर्खास्त कीजिए। ये मांग मैं क्यों कर रहा हूं, ये मांग इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि आज कई पत्रकारों ने, जी हां कई पत्रकारों ने, जिनके पुराने पुराने केसेस सामने उभर कर आ रहे हैं, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ रहा है। तो एमजे अकबर, तो इनकी तो पूरी लंबी चौड़ी दास्तानें। तो सवाल यह कि एमजे अकबर इस्तीफा क्यों नहीं देंगे, उन पर क्यों खामोशी बरती जाएगी? क्योंकि मुझे याद है कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से जब सवाल पूछा गया था तब उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया। सवाल यह है कि इस शख्स की जवाबदेही कौन तय करेगा? प्लीज हैव वन क्वेश्चन मैम, देयर आर सीरियस एलिगेशंस लेवल्ड अगेंस्ट मिस्टर एमजे अकबर, दीज आर सेक्सुअल हैरेसमेंट एलिगेशंस, यू आर अ वुमन मिनिस्टर इन चार्ज, यस मैम, विल देयर एटलीस्ट बी एन इंटरनल प्रोब मैन, विल देयर बी अ प्रोब मैन ऑन द एलिगेशंस? थैंक यू, थैंक यू।
जाहिर सी बात है, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि हम उन महिला पत्रकारों तक पहुंचे जिन्होंने अपनी रिपोर्टिंग के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। मैं शुरुआत कर रहा हूं रोहिणी सिंह से। रोहिणी सिंह वो पत्रकार हैं जिन्होंने 2G स्कैम, रॉबर्ट वाड्रा और हाल ही में अमित शाह के बेटे पर जोरदार स्टोरीज की थी। आज मेरे साथ रोहिणी सिंह है। रोहिणी, मेरा पहला सवाल आपसे, ये जब मामला आता है एमजे अखबार वाला और आपने पूरा वो अकाउंट पढ़ा होगा, तो पहला ख्याल आपके जहन में क्या आता है? अभी सर, जब मेरे वो अकाउंट पढ़ा और अब तो 6 वुमेन हैव मेड अ कंप्लेंट, पढ़ के मुझे बुरा तो लगता ही है, लेकिन उससे ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि ये इतने सालों से हो रहा है, ये यू नो मिस्टर अकबर का बिहेवियर विच इज गॉन अनचैलेंज्ड एंड वुमेन आर नॉट चैलेंजिंग इट बिकॉज उनको उस समय लगा अगर वो कुछ बोलती, वो मना करती या हल्ला मचाती तो डायरेक्ट इम्पैक्ट उनकी नौकरियों पे पड़ता। इस बात को लेके मुझे गुस्सा आता है और बहुत गुस्सा आता है क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी हम बातें करते हैं दैट यू नो देयर हैज बीन सो मच प्रोग्रेस, देयर आर यू नो वुमेन सीईओज, इतनी यू नो डिफेंस मिनिस्टर एक महिला है, लेकिन ये सब फ्रैंकली बहुत कॉस्मेटिक है बिकॉज एट द ग्राउंड लेवल अगर हमारी कंडीशन और यू नो द वे वी आर ट्रीटेड दैट टुडे आई एम नॉट बीइंग जज्ड बाय माय एबिलिटीज बट what clothes I wear, how I speak, how I conduct myself, and I think that is very unfortunate and that is something that makes me really angry. Rohini, main aapse ye bhi janna chahunga ki isi dauran kai aur logon ke mamle aa rahe hain, media mein kai logon ne step down tak kiya hai, magar kuch aise mamle bhi aa rahe hain jahan par ek journalist ya koi ek writer, Chetan Bhagat ka naam aa raha hai ki wo flirt kar rahe hain kisi ke sath. Ab ye behas ho gayi hai ki kya isse bhi me too ki category mein laya jaye? So do you think there's a need to make a distinction between real cases jahan par is tarah se logon ko target kiya gaya, ye jo dusre mamle aa rahe hain? Of course I think there is a very important need to, you know, to make a distinction when it comes to these kind of cases Abhisar, only because aur ye main twitter pe kafi maine tweet bhi kara hai ki mujhe lagta hai jaise Chetan Bhagat ka jo jaise messages bahar aaye hain ye inki private domain ka issue hai, ye this is something that his wife needs to deal with it, right? वो फ्लर्ट कर रहे थे, वाज ही क्रीपी, वाज ही नॉट क्रीपी, बट मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि ये एक हैरेसमेंट का मामला है। एंड सी, मेन विल अप्रोच वुमेन एंड वुमेन विल अप्रोच मेन, और शायद आपको किसी का टेंशन पसंद नहीं आए या अनवांटेड लगे और आपने उसको अगर रिबफ कर दिया, उसके बाद उन्होंने यू नो पर्सिस्ट नहीं करा, तो वो हैरेसमेंट नहीं होता है। एक के बाद एक जिस तरह से महिला पत्रकारों के अकाउंट्स आ रहे हैं कि क्या कुछ उन्हें अपने पत्रकारिता के जीवन में खासकर शुरू के सालों में सहना पड़ा, यकीन जानिए मेरे रोंगटे खड़े हैं। एक अजीब सी कोफ्त हो रही है, घिन आ रही है कि वो महिलाएं जिन्होंने पढ़ाई की, जो तैयार की गई, ट्रेन की गई दरअसल उन लोगों की आवाज़ उठाने के लिए जिनके पास आवाज़ नहीं थी, बे आवाज़ लोगों की आवाज़ उठाने के लिए, वॉइसलेस लोगों की वॉइस उठाने के लिए, आज वो महिलाएं जो हैं वो कितनी लाचार, कितनी बेचारी नजर आ रही हैं। बेहद अजीब एक असुरक्षा का भावना हो रहा है कि क्या वाकई हमारी ही बिरादरी के लोग, हमारी ही पत्रकार बिरादरी के जो हैं वो पुरुषों ने इस तरह का बर्ताव उनके साथ किया कि उन्हें अचानक से अपने करियर में 5, 10, 20 साल बाद जो है वो बेचारी बना दिया। तो साफ तौर पर इस तमाम बेचारगी के अलावा अगर देखा जाए तो एक नई जनरेशन जो उम्मीद नजर आ रही है, पूरी जो एक होप है, ये पूरा जो मूवमेंट लेकर आया वो ये है कि एक नई जनरेशन, एक पूरी नई पीढ़ी तैयार हुई है महिला पत्रकारों की, जो ये कह रही है नो मीन्स नो, यानी अगर मेरी सहमति नहीं है तो मेरी सहमति के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं अपने एक्सपीरियंस में सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, हाँ बहुत से लोग थे, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे दूसरे जर्नलिस्ट हों जिन्हों के साथ हमने फील्ड में काम किया, जिनके बारे में हमें अक्सर हमारी सीनियर वुमेन जर्नलिस्ट बोला करती थी कि देखो अगर तुम उनसे मिलने जा रहे हो तो जरा ध्यान रखना कि आप एक दूसरे एक दोनों के बीच में जरूर एक कोई टेबल या कुछ होना चाहिए, उनको अपने बगल में आके बैठने मत देना या फिर ऐसी जगह में मिलना जहां पे और लोग भी हैं, पब्लिक जगह हो या उनके ऑफिस में, घर मत जाना, दुपट्टा पहन के जाइएगा क्योंकि उनकी नजर जो है वो आपके चेहरे पे नहीं रहेगी, वो नीचे जाएगी। प्लीज अपने आप को जरा प्रोटेक्ट कीजिए ऐसे लोगों के से। तो वो सवाल एक बार फिर कि जब अन्य पत्रकार इस्तीफा दे रहे हैं, अपने पदों से नीचे उतर रहे हैं, तो एमजे अखबार को ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं।
हम ये नहीं कह रहे हैं कि एमजे अकबर जो है पहली नजर में दोषी हैं या उन्हें उन्हें सजा होनी चाहिए. हम ये कह रहे हैं कि जो प्रॉपराइटी है वो ये डिमांड करती है कि एमजे अकबर सबसे पहले अपने पद से इस्तीफा दें और उसके बाद एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. न सिर्फ कि ये पत्रकारिता के लिए ये बेहतर होगा बल्कि ये भारतीय समाज और राजनीति के लिए बेहतर होगा. और शायद इसी तरह से जब हम सबसे बड़े पद पर बैठे हुए जो एक पब्लिक व्यक्ति है उसको जब हम आंसरेबल बनाते हैं, जब उसको जवाबदेह बनाते हैं, तब ये तय होता है कि आप किस तरह का लोकतंत्र हैं. लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि अगर मीडिया हाउसेज या कॉर्पोरेट्स पर प्रेशर है कि वो अकाउंटेबल रहें, वो इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटीज को कॉन्स्टिट्यूट करें, ये सारे कंप्लेंट्स को इन्वेस्टिगेट करें, चाहे वो आज हुई हो या पहले पुराने पिछले सालों की बात है, तो फिर जिस कंपनी के लिए एमजे अकबर काम करते हैं दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, शायद उनकी अकाउंटेबिलिटी और ज्यादा होनी चाहिए. वो एक पब्लिक ऑफिशियल हैं आज. मगर अब तो ये बात अखबार के पहले पन्ने पर आ गया है. जी हाँ, एक तरफ संस्कारी आलोकनाथ हैं जिन पर तारा के राइटर ने बलात्कार का आरोप लगाया और दूसरी तरफ एमजे अकबर की तस्वीर. अब तो पहले पन्ने में ये बात आ गई. ये मुद्दा ये साबित कर रहा है कि अगर आज एमजे अकबर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, इसका अर्थ यह होगा कि कोई ताकतवर आदमी इस देश में कुछ भी कर सकता है. और एमजे अकबर के बारे में कहा जाए, इस शख्स ने न सिर्फ इन जघन्य चीजों को, इन शर्मनाक चीजों को अंजाम दिया, बल्कि मैं आपको बता दूं कि एमजे अकबर निहायत ही अवसरवादी व्यक्ति हैं. आपको मैं एक चीज बताने वाला हूं जो आप में से कई लोगों को नहीं पता होगी. आपको याद है ट्रिपल तलाक वाले मुद्दे पर किस तरह से एमजे अकबर ने संसद भवन में भाषण दिया था और सबने बहुत तालियां बजाई थी. उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को जो अपनी रूढ़िवादी जो सोच है उसे त्यागना होगा, आगे बढ़ना होगा. उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वो मोदी सरकार में मंत्री हैं. मगर क्या आप जानते हैं कि 80 के दशक में शहाबुद्दीन के मामले में एक गरीब मुसलमान महिला को एलिमनी के मामले में जब कट्टर मुसलमानों ने राजीव गांधी पर दबाव डाला था तब एमजे अकबर के कहने पर ही राजीव गांधी संवैधानिक संशोधन लेकर आए थे. वो एमजे अकबर थे. और ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री कार्यालय में काम कर रहे वजाहत हबीबुल्ला का कहना है. उनका कहना था कि एमजे अकबर किस तरह से राजीव गांधी के साथ बैठे हुए थे. और वजाहत हबीबुल्ला रूम में प्रवेश करते हैं और उस बैठक में एमजे अकबर कहते हैं कि अगर आपने शाहबानु पर संवैधानिक संशोधन नहीं लेकर आए तो मुसलमान आपसे नाराज हो जाएगा. यह हालत है एक तथाकथित प्रोग्रेसिव मुसलमान का, एक पत्रकार का, यानी कि गरीब मुस्लिम महिला के साथ अत्याचार इसे मंजूर था मगर इस तरह की सलाह उन्होंने राजीव गांधी को दी. क्यों? क्योंकि उस वक्त आप कांग्रेस के पिछलग्गू थे और आज आप बीजेपी के पिछलग्गू हैं, लिहाजा आप बीजेपी की भाषा में बात कर रहे हैं. तो मैं ये जानना चाहता हूं मोदी जी, किस तरह का अवसरवादी व्यक्ति, इस तरह का शख्स जिस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, वो आपके लिए नगीना कैसे हो सकता है? वो आपके लिए एसिड कैसे हो सकता है? विचार आपको करना है और साथ ही विचार करना है हमारे तमाम उन दर्शकों को जो आज बेबाक देख रहे हैं कि क्या सत्ता में मौजूद ऐसे ताकतवर लोगों को बने रहना चाहिए? जवाब आपके पास है.